अब हम पाकिस्तान चुनाव में चीन के कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए आज 12 दिन हो गए, लेकिन सरकार गठन का पेंच अब तक फंसा हुआ है। केंद्र में पाकिस्तान की कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अब तक अनसुलझा है। भारत ने पाकिस्तान में हुए इस बार के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि वर्ष 2018 में जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सरकार बनाई थी और इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत ने इमरान खान को बधाई दी थी। लेकिन पाकिस्तान में हुए चुनाव को लेकर इस बार चीन कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने पाकिस्तान में हुए चुनाव पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में माओ निंग ने पाकिस्तानियों को देश में हुए साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां एकजुटता दिखाते हुए स्थिर सरकार का गठन जल्द करेंगी। अब यहां मजेदार बात यह है कि चीन पाकिस्तान में हुए जिन चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बता रहा है, वो चुनाव कितने निष्पक्ष और बिना धांधली के हुए हैं, दुनिया ने उनकी तस्वीरों को पिछले 12 दिनों में कई बार देखा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के राजनीतिक दल पीएमएलएन को छोड़ दें तो ज्यादातर दलों ने धांधली के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में कितने बड़े स्तर पर वोटों की धांधली हुई, इसे देखकर तो रावलपिंडी का एक सीनियर अफसर आत्मग्लानी महसूस करने लगा। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली ने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के एक शीर्ष न्यायाधीश भी धांधली में शामिल थे। वोटों की धांधली करके उन्होंने ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हरवा दिया जो 70 से 80 हजार वोटों से आगे चल रहे थे। है ना मजे की बात। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के अफसर दावा कर रहे हैं कि देश में चुनाव ना निष्पक्ष हुए ना शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लेकिन चीन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के लोगों को बधाई दे रहा है, चुनाव नतीजों को आवाम की पसंद बताने की कोशिश में लगा है। जबकि चुनाव के दौरान पाकिस्तान में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रचार से रोका गया। वोटिंग के दिन देश में इंटरनेट बंद किया गया। वोटिंग के दौरान वोटों की चोरी की गई। वोटिंग सेंटर से बैलेट बॉक्स लूटे गए। काउंटिंग के दौरान वोटों की हेराफेरी हुई। नियम दरकिनार कर नतीजों में देरी की गई। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों से बदसलूकी की गई। वोटिंग और काउंटिंग के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। चुनाव में प्रत्याशियों के ऑफिस पर आतंकी हमले हुए। चुनाव के दौरान 100 से ज्यादा लोग हमलों में मारे गए। इतना कुछ तो दुनिया के सामने आ सका, लेकिन जिसे पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने छिपा लिया उसका तो कुछ अता पता है ही नहीं। चुनाव और नतीजों में जिस तरह का ड्रामा हुआ उसे लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी चिंता जाहिर की थी और चुनाव में धांधली की जांच की मांग की थी। बावजूद इसके सिर्फ चीन को ही ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हुए हैं, जो पूरी तरह निष्पक्ष है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम बधाई की पात्र है। 推动中印尼关系长期健康稳定发展，为两国人民创造更多的福祉。中方注意到巴基斯坦大选总体平稳顺利举行，对此表示祝贺。 作为亲密友好邻邦，中方充分尊重巴基斯坦人民做出的选择，衷心希望巴基斯坦各有关方面在大选后共同维护政治团结和社会稳定，同心协力开创国家发展未来。We're concerned, and we share concerns about some of the reports that we've heard coming out of Pakistan in terms of intimidation, voter suppression, that kind of thing. And so we're watching this very, very closely. And as I understand it, votes are still being tallied, so international monitors are still taking a look at those tallies. I'm not going to get ahead of that process. चीन के नजरिए से पाकिस्तान में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं। चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया पाकिस्तान के चुनाव पर क्या कहती है, क्या सोचती है। इसीलिए सवाल ये कि चीन को पाकिस्तान के चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में चल रहे चीन के प्रोजेक्ट और पाकिस्तान को दिया गया अरबों रुपयों का कर्ज है। चीन एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के करीब 2 दर्जन देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा रखा है। चीन उन्हीं देशों को कर्ज देने में प्राथमिकता देता है जिनके जरिए अपने हित साध सके। इन्हीं में पाकिस्तान भी शामिल है। चीन पाकिस्तान में अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट
CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर चीन ने करीब 60 अरब डॉलर निवेश किए हैं। अगर पाकिस्तान में अस्थिर सरकार रहती है तो CPEC प्रोजेक्ट में अड़चने आएंगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीनी इंजीनियर्स को कई बार कट्टरपंथी संगठन निशाना बना चुके हैं। ऐसे में अस्थिर सरकार आने से चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान में हुए चुनाव को निष्पक्ष बता रहा है और चाहता है कि किसी तरह से इस देश में सरकार का गठन। पाकिस्तान चुनाव में चीन के इंटरेस्ट की दूसरी वजह अरबों रुपए का वो कर्ज है जो चीन ने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान पर इस समय $128 बिलियन का कुल विदेशी कर्ज है। इसमें से एक तिहाई से ज्यादा पाकिस्तान ने चीन से लिया है। विश्व बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का $46 बिलियन का कर्ज है, जबकि अमेरिका में विलियम और मैरी यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एड डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीनी कर्ज की राशि $77.3 बिलियन है। $77.3 बिलियन को रुपए में कन्वर्ट करें तो यह राशि 6.5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। चीन ने सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान को ही दिया है। दूसरे नंबर पर अंगोला है, जिसे $36.3 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी GDP का 20% तक कर्ज चीन से लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए इतनी मोटी रकम है जिसे मौजूदा स्थिति में चुका पाना असंभव सा है। अगर पाकिस्तान में राजनीतिक संकट लंबे समय तक बना रहता है तो इससे पाकिस्तान आर्थिक संकट में धंसता चला जाएगा, इससे चीन का पैसा भी फंस जाएगा और ऐसा चीन किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा। पाकिस्तान की वित्तीय हालत इतनी खराब है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान को हाल के दिनों में सऊदी अरब से $5 बिलियन का नया कर्ज लेना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान ने UAE से $2 बिलियन के नए कर्ज की मांग की है। इसके अलावा चीन से $2 बिलियन और IMF से $1 बिलियन कर्ज मांगा है। पाकिस्तान में अस्थिर सरकार की वजह से चीन अपना पैसा फंसाना नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। श्रीलंका और जाम्बिया इसका ताजा उदाहरण है। श्रीलंका जब चीन का कर्ज चुकाने में नाकाम हुआ तो चीन ने उसका हाबनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इसी तरह चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, कई हाईवे और मोटरवे अपने पास गिरवी रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के लिए उसकी एक कॉलोनी की तरह ही है। हालांकि ऐसा करके चीन दिए गए कर्ज की पूर्ति करने में कुछ हद तक कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी छवि खराब होती है। इसीलिए चीन नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बना रहे और इसी वजह से चीन पाकिस्तान के चुनाव में इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। लोकतंत्र, चुनाव, हंग असेंबली और राजनीतिक दल चीन के लिए सब कुछ जैसे नया सा है, क्योंकि चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहां ना मीडिया को सच दिखाने की आजादी है, ना ही निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ही है। इसीलिए चीन में लोकतांत्रिक चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाता। सोचिए, जिस देश में लोकतंत्र ही ना, उस देश को लोकतंत्र की खूबसूरती का क्या पता होगा। इसीलिए पाकिस्तान में जिस तरह से धांधली और वोटों की चोरी करके चुनाव हुए और नतीजे आए, चीन को वो निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव लगते हैं। Z News.